IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में जब विकेट कीपर्स का तीसरा सेट आएगा तो इसमें कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपने लिए टीम ढूंढने में कामयाब नहीं होंगे और अनसोल्ड चले जाएंगे। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि भले ही बतौर विकेट कीपर टीम में ना खेले लेकिन बतौर प्योर बल्लेबाज मोटी रकम वो अपने घर लेकर के जा सकते हैं और कई टीमों की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में भी जगह बना सकते हैं। वहीं जिन टीम्स को लाइक कोलकाता नाइट राइडर्स विकेट कीपर बल्लेबाजों की तलाश है वो इस सेट में कई खिलाड़ियों को टारगेट कर सकते हैं। तो एक एक करके सभी खिलाड़ियों के टारगेट टीम्स और प्रेडिक्शन के बारे में बात करेंगे कि वो कितने पैसे लेकर के अपने घर जाने वाले हैं और कौन से प्लेयर अनसोल्ड रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बिकम पार्ट ऑफ फैमिली बिकॉज हम लोग 50,000 सब्सक्राइबर्स के टचिंग डिस्टेंस में पहुंच गए हैं विच ऑल साउंड्स लाइक अ बिग ड्रीम टू मी। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। नंबर वन प्लेयर जो कि IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं बतौर विकेटकीपर इस इंग्लैंड टॉम बेंटन और 2 करोड़ का बेस प्राइस इन जनाब का है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इनको 2 करोड़ या उससे ज्यादा की रकम में अपनी टीम में शामिल करने वाली है। पिछली दफा जब IPL में ये आए थे तो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे। हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी एक विकेटकीपर बल्लेबाज की जरूरत है खास करके जो बैक ऑफ द लेंथ पेस को अच्छा खेले लेकिन क्या वो टॉम बेंटन की तरफ देखेंगे आई रियली डोंट थिंक सो बिकॉज पहले तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और बड़े टूर्नामेंट में खेलने का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इस खिलाड़ी के पास नहीं है फ्रॉम बिग अरीना और उसके साथ साथ 2 करोड़ का बेस प्राइस भी इस खिलाड़ी का बहुत ज्यादा है। बट IPL में यू नेवर नो हो सकता है अंत में ये कोई टीम हासिल करने में कामयाब हो जाए लेकिन इनके बेस प्राइस को देखते हुए मुझे लगता है कि ही माइट गो अनसोल्ड इन द मिनी ऑक्शन। सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन जो कि अवेलेबल होंगे इन द IPL 2023 मिनी ऑक्शन फ्रॉम सेट नंबर 3 इज लिटन दास और 50 लाख के बेस प्राइस होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इस खिलाड़ी के ऊपर हाथ डालने वाली है। देखिए अगर IPL के सेट नंबर 3 में इस खिलाड़ी का नाम आ रहा है तो जाहिर है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में जो अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं उसका इन्हें इनाम मिल रहा है और किसी ना किसी फ्रेंचाइजीज ने इनका नाम जरूर दाखिल किया होगा इसीलिए ये मिनी ऑक्शन के सेट नंबर 3 तक पहुंच पाए। लेकिन क्या ये सेट नंबर 3 से किसी टीम के डगआउट तक पहुंच पाएंगे? देखिए मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता बिकॉज भले ही 50 लाख का इनका बेस प्राइस हो लेकिन अगर आपको कोई विकेट कीपर ही चाहिए जो कि एशिया का हो तो आपको डोमेस्टिक में अच्छे खासे विकेट कीपर मिल जाएंगे। आप बांग्लादेश के किसी खिलाड़ी पर जो कि आपको बहुत ज्यादा पेस हिटिंग और रेंज हिटिंग नहीं देता है उस पर आप ओवरसीज स्लॉट नहीं वेस्ट कर सकते। क्या आप इनको बैकअप के तौर पर देखोगे? देखिए अगर आपको इन्हीं को बैकअप रखना है तो और भी ढेर सारे ऑप्शन आपको मिनी ऑक्शन में मिलेंगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम लिटन दास को अपनी टीम में शामिल करने वाली है। थर्ड प्लेयर जो कि IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में बतौर विकेट कीपर आ रहे हैं और इस बार जरूर सोल्ड होंगे और अच्छी खासी रकम अपने घर लेकर के जाएंगे इस साउथ अफ्रीका विकेटकीपर बैट्समैन हेनरिक क्लासेन और 1 करोड़ के बेस प्राइस के साथ ये जनाब आ रहे हैं और मुझे लगता है कि 2 से 4 करोड़ तक भी इनकी बोली जा सकती है और कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स वो टीम हो सकती है जो कि हेनरिक क्लासेन को अपनी टीम में शामिल कर सकती है। देखिए हेनरिक क्लासेन आपको क्या देते हैं? आपको वो देते हैं अच्छी पेस हिटिंग और उसके साथ साथ स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं तो एक ऐसा ओवरसीज अच्छा विकेटकीपर जो कि विकेट के पीछे अच्छी कीपिंग करे और उसके साथ साथ फास्ट बॉलर्स के साथ साथ आपको स्पिन पर भी अच्छी हिटिंग करके दे वो आपकी टीम के लिए बहुत ही बड़ा एसेट हो सकता है। अब कोलकाता नाइट राइडर्स के पास फिलहाल रहमानुल्लाह गुरबाज हैं जिनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का और IPL का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे में हेनरिक क्लासेन उनके टीम में फिट बैठ सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल्स पिछले साल टिम साइफर्ट के पास गई थी उनके पास इस बार ऋषभ पंत है और कोई ओवरसीज विकेटकीपर उनके पास नहीं है बैकअप में। ऐसे में मुझे लगता है कि ये दोनों ही टीमें हेनरिक क्लासेन पर बोली लगा सकती हैं और उनको अपनी स्क्वाड में शामिल कर सकती हैं। फोर्थ प्लेयर जो कि IPL 2023 के मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं बतौर विकेट कीपर फ्रॉम श्रीलंका इस कुशाल मेंडिस और 50 लाख के बेस प्राइस के साथ मिनी ऑक्शन में ये खिलाड़ी आ तो जरूर रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इनको अपने स्क्वाड में शामिल करने वाली है एंड ही माइट गो अनसोल्ड इन द मिनी ऑक्शन। देखिए इनके साथ भी नितिन दास वाली ही कहानी है। ठीक है ऑक्शन में आ रहे हैं किसी ना किसी फ्रेंचाइजी ने नाम जरूर डाला होगा लेकिन अगर आपको बैकअप विकेट कीपर की ही जरूरत है तो फिर आप किसी अच्छे विकेट
विकेट कीपर के पास जाओगी, क्योंकि इस लिस्ट के अलावा भी कई ओवरसीज विकेट कीपर्स आपको मिल जाएंगे जो कि थोड़े से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। कुशल मेंडिस ने हाल फिलहाल में श्रीलंका के लिए अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी दी है, लेकिन एक बार फिर से है तो वो ओवरसीज खिलाड़ी ही, और ओवरसीज प्लेयर पर आप अपना स्लॉट वेस्ट नहीं करना चाहोगे। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीम इस खिलाड़ी पर हाथ डालने वाली है। फिफ्थ प्लेयर फ्रॉम सेट नंबर 3 जो कि इस मिनी ऑक्शन के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन सकते हैं, इस वेस्ट इंडीज विकेट कीपर बैट्समैन निकोलस पूरन। और निकोलस पूरन 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आईपीएल ऑक्शन में आ रहे हैं। मेरे ख्याल में 4 से 6 करोड़ तो हर हाल में उनको मिलने वाला है। वहीं मुंबई इंडियंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस वो टीम हो सकती है जो कि निकोलस पूरन को अपने स्क्वाड में शामिल करे। देखिए बाकी की जो टीम्स हैं वो कई प्लेयर पर और ज्यादा पैसे खर्च कर देंगे, तो शायद उनके पास निकोलस पूरन को खरीदने के पैसे ना बचे। मैं बात कर रहा हूं लखनऊ की, पंजाब की, मे बी हैदराबाद की, लेकिन उसके अलावा मुंबई इंडियंस वो टीम हो सकती है जो कि निकोलस पूरन को अपने स्क्वाड में शामिल कर ले, और अगर मिडिल ऑर्डर में उनको जरूरत पड़ती है तो वो टिम डेविड के साथ इनको पेयर अप कर सकते हैं नंबर 4-5 पर कहीं। और उसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी के बैकअप के तौर पर इस खिलाड़ी को जरूर देख सकती है। मिडिल ओवर्स में चेपॉक के धीमे विकेट पर स्पिनर्स की ठीक ठाक पिटाई भी कर सकते हैं। आने वाले समय में सीएसके के लिए अच्छा एसेट बन सकते हैं। वही गुजरात टाइटन्स को मैथ्यू वेट के अलावा एक और अच्छे विकेट कीपर की जरूरत है, तो वो भी निकोलस पूरन के पीछे जा सकते हैं। एक उनके पास लेदे के सहा और मैथ्यू वेट ही फिलहाल बचे हुए हैं, गुरबाज को भी उन्होंने हटा दिया है, तो निकोलस पूरन की तरफ ये 3 टीमें जरूर जा सकती हैं। लेकिन जो भी निकोलस पूरन की तरफ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि इस ऑक्शन में वो 4-6 करोड़ से ज्यादा पैसे भी अपने घर लेकर के जा सकते हैं, एंड ही माइट टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स फ्रॉम द मिनी ऑक्शन। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, 6th प्लेयर फ्रॉम सेट नंबर 3 जो कि इस मिनी ऑक्शन में आ रहे हैं बतौर विकेट कीपर, इस इंग्लैंड बैट्समैन फिल सॉल्ट, और 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ 3 से 5 करोड़ मेरे हिसाब से इनकी बोली जा सकती है। और कोलकाता नाइट राइडर्स के अलावा पंजाब किंग्स वो टीम हो सकती है जो कि फिल सॉल्ट को अपने स्क्वाड में शामिल करे। देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स की कई वीडियोस में, विकेट कीपर से जुड़ी हुई कई वीडियोस में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि कोलकाता नाइट राइडर्स को फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी की बहुत जरूरत है, बिकॉज उनके पूरे टॉप 6 में कोई भी अच्छा पेस हिटर उनके पास नहीं है। और अगर ओपनिंग में वो वेंकटेश अय्यर के साथ फिल सॉल्ट को पेयर अप करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग कॉम्बिनेशन तैयार हो जाएगा, साथ ही में उनको विकेट कीपर भी मिलेगा। वहीं पंजाब किंग्स के पास बजट भी है, और जॉनी बेयरस्टो के इंजरी पर अभी कोई बहुत बड़ा अपडेट नहीं आया है कि वो आईपीएल तक फिट होंगे तो कितनी मैच प्रैक्टिस उनके पास होगी, कितनी फॉर्म होगी, तो उनके एक अच्छे बैकअप के तौर पर भी आप फिल सॉल्ट को ले सकते हो। तकरीबन लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपको मिलता है, आपके पास जितेश है वहां पर, भनुका राजपक्षे है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप फिल सॉल्ट को उनके विकेट कीपर के तौर पर खिलाओ, लेकिन आप अगर चाहो तो उनसे कीपिंग भी करवा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैलेंस और एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलता है, और जॉनी बेयरस्टो की एक अच्छी रिप्लेसमेंट भी आपको मिलेगी। लेकिन एक बात तय है कि 3 से 5 करोड़ या फिर उससे ज्यादा भी ये खिलाड़ी अपने घर लेकर के जरूर जा सकता है। तो विकेट कीपर्स के इन सेट नंबर 3 पर आपकी क्या प्रेडिक्शन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि क्या आप मेरे प्रेडिक्शन से एग्री करते हो या फिर आपका कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका जो भी ओपिनियन हो, आई वुड लव टू गिव इट अ रीड। लेकिन सबसे पहले, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ फैमिली, बिकॉज हमारे सारे सेट नंबर तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। जो नहीं कंप्लीट हुए वो भी बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद मिनी ऑक्शन से पहले एक बहुत ही मजेदार सीरीज आपके लिए शुरू होने वाली है। You have to stay tuned for everything that is coming your way, and I will see you soon in the next video.